हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग वीडियो। दोस्तों अभी मैं मसौढ़ी के कर्पूरी चौक पे हूँ और दोस्तों आज मैं आप लोगों को मसौढ़ी से भरतपुरा तक का फुल अपडेट्स देने वाला हूँ। दोस्तों आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में भरतपुरा में एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी के पास कैसे जाना है उसके बारे में भी बताऊँगा। और दोस्तों आपको दुल्हिन बाजार के पास में उलार एक बहुत ही सुंदर रमणीक धार्मिक जगह है, उस जगह पर कैसे जाना है उसके बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। वहाँ इसका रास्ता भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को भरतपुरा तक आज इस वीडियो में सफ़र करूंगा और भरतपुरा तक के बारे में आप लोगों को फुल अपडेट्स देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इस रूट से भरतपुरा तक जाएंगे या भरतपुरा से आगे तक भी जाएंगे तो भरतपुरा तक आपका सफ़र कैसा होने वाला है आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में फुल डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो फिलहाल जो मेरा कारवा है वो आगे चल चुका है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2 लेन का रोड है। मैं बता दूँ दोस्तों कि अगर आप लोग का वाहन CNG का है तो फिलहाल आप लोग अगर इस रूट से सफ़र करने की सोच रहे हैं तो पहले से ही अपने वाहन में CNG का जो भंडारण होता है पर्याप्त भंडार करके ही इस रूट से निकलें। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को इस रूट में कहीं भी CNG पेट्रोल पंप फिलहाल मिलने वाले नहीं है। और अगर आप लोग का वाहन डीजल का है या पेट्रोल का है तो फिलहाल चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस रोड पे आपको जगह जगह पे पेट्रोल पंप काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। हर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आप लोगों को एक पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। तो पेट्रोल और वाहन आपका डीजल का है तो फिलहाल आप लोगों को किसी तरीके का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, CNG का है तो पहले से ही अपने वाहन में पर्याप्त भंडार करके ही इस रूट से सफ़र करें। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि रोड का कंडीशन आप लोगों को वीडियो में दिखाई दे ही रहा होगा, तो चलिए फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि रोड का जो कंडीशन है वो बिल्कुल सही है। कहीं भी आप लोगों को एक गड्ढा वगैरह मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल स्मूथ रोड को बनाया गया है। 2 लेन का रोड है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सचेत होकर के चलना है। क्योंकि अगर आप लोग नया इस रूट से सफ़र कर रहे हैं तो जगह जगह पर आप लोगों को ठोकरें ज़्यादा मिलेगी और कहीं कहीं तो ठोकर काफ़ी ऊँचा है। तो अगर आप लोग पहली बार इस रूट से सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर के चलिएगा। और बीच बीच में देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले जो भाई हैं वो किस तरीके का हरकत भी रोड पर करते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी होकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी जो हम लोग का है ना वो काफ़ी अनमोल है, ये एक बार मिलता है दोबारा मिलता नहीं है। तो थोड़ा सा सचेत होकर के चलें, दुर्घटना से देर भली अच्छी होती है तो थोड़ा सा देर से ही पहुँचें लेकिन सही सलामत अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँचें। और दोस्तों एक बात और आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग रेस्टोरेंट के शौकीन हैं, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लजीज व्यंजन खाने के शौकीन हैं तो फिलहाल आप लोगों को इस रूट पे कहीं भी एक भी अच्छा सा आपको रेस्टोरेंट फिलहाल नहीं दिखाई देंगे। हाँ, बीच बीच में आप लोगों को होटल वगैरह मिल जाएंगे जिससे कि आप थोड़ी बहुत नाश्ता वगैरह खाने पीने की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन अच्छा आप लोगों को अभी भी इस रूट पर एक भी रेस्टोरेंट मिलने वाले नहीं है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों मसौढ़ी से निकला हूं और आप लोगों को भरतपुरा तक ले चलूंगा। अब भरतपुरा से दोस्तों आप लोगों को कैसे लाइब्रेरी तक जाना है, भरतपुरा में एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी बनाया गया है जैसा कि यहां पर भी आप लोग देख रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े ठोकरे रोड पर बनाई गई है जिससे कि कभी कभी दुर्घटनाएँ घट जाती है, तो थोड़ा सा सचेत होकर के चलना है। तो दोस्तों भरतपुरा में एक बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है और काफ़ी पुरानी लाइब्रेरी है जिसमें आपको हर तरह के वहां पर बुक देखने के लिए मिल जाती है। दोस्तों उस लाइब्रेरी को देखने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आते हैं। तो वो जो भरतपुरा का लाइब्रेरी है इसी रोड में आगे है, मैं वहां तक आपको लिए चलूँगा। कैसे उस जगह पर आप लोगों को जाना है इसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा। और पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों कि इस रूट में एक बहुत ही सुंदर धार्मिक स्थल भी है, उस स्थल का नाम उलार है। वहाँ कैसे आप लोगों को जाना है उसके बारे में भी मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। काफ़ी हरा भरा माहौल है, दोनों तरफ देख रहे हैं कि काफ़ी संख्या में वृक्ष जो लगाए गए थे वो काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं और काफ़ी देखने में सुंदर लगता है। आप लोग इस रूट से सफ़र करेंगे तो कहीं से भी कोई बोरियत फील होने वाली नहीं है, अच्छा खासा रोड बनाया गया है, कहीं भी आप लोगों को एक गड्ढा भी दिखाई देने वाले नहीं है जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं।
काफ़ी सुंदर रोड बनाया गया है, 2 लेन का ये रोड है। और ये रोड दोस्तों सीधा पाली चली जाती है और पाली से जा कर के ये अरवल वाली में मिल जाती है, जो कि महाबलीपुर होते हुए अरवल, बैदराबाद, महेंदिया, दाऊदनगर, औरंगाबाद होते हुए जीटी रोड में भी मिल जाती है। और इधर में आप लोगों को नौबतपुर बिहटा होते हुए पटना तक भी चल जाती है। तो अगर आप लोग पटना जाना चाहते हैं, बिहटा जाना चाहते हैं, नौबतपुर जाना चाहते हैं तो वहाँ से भी जा सकते हैं, अरवल जाना चाहते हैं वहाँ से भी जा सकते हैं। आप लोग पाली होते, चंडहोस होते, किंजर, जहानाबाद, कहीं भी अगर जाना चाहते हैं दोस्तों तो आप इस रूट से सफ़र करके जा सकते हैं। हर जगह रोड जो है काफ़ी बेहतर कंडीशन में आपको अभी मिलेंगे, कहीं भी कोई रोड पर उबड़ खाबड़ गड्ढा नहीं मिलने वाली है, बिल्कुल स्मूथ रोड बनाया गया है, बहुत सुंदर हरा भरा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक करते जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम क्रिएटरों का जो हौसला है वो थोड़ा बढ़ता है, बुलंद होता है। उस कारण से दोस्तों हम लोग आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के भी आते रहते हैं। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूँ कि अगर शाम के वक्त इस रोड पर सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा सचेत होकर के चलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जगह जगह पर इस रोड पर शाम में जो जानवर होते हैं उसकी संख्या बढ़ जाती है। और जानवर जानते हैं कि कहीं भी दुर्घटना होने के लिए काफ़ी होता है, थोड़ा सा भी अगर इधर उधर भाग जाती है तो खास करके जो मोटरसाइकिल चलाने वाले भाई हैं उनके साथ में दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों यहां से आप लोग दौलतपुर जा सकते हैं, और इस रोड से दोस्तों आप हांसाडीवाला भी रोड में जा सकते हैं, सीधे दौलतपुर चले जाती है। धनाड़ा बनाड़ा अगर आप लोगों को जाना है तो इसी रोड से जाइएगा, या इधर में जो आप देखे दाहिने साइड में वो सीधा हांसाडी की ओर चली जाती है। अब यहाँ से सीधा मैं कुछ ही देर में देवरिया पहुँचने वाला हूँ। ये मोरहर नदी पे पुल बना हुआ है, काफी पुराना पुल है, काफी हरा भरा ये रूट है। और दोस्तों यहीं पर आपको उदय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, अगर आप लोग उदय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आना चाहते हैं तो इसी रूट से इसी जगह पर आप देखिएगा कि यहाँ पर उदय टीचर ट्रेनिंग का बोर्ड लगा हुआ है, यही है दोस्तों उदय टीचर ट्रेनिंग। आप यहीं से आकर के इस ट्रेनिंग कॉलेज में अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं। रोड बिल्कुल दोस्तों आपको सही सलामत मिलेगा, कहीं भी आप लोगों को गड्ढे उड्ढे मिलेंगे नहीं, हालांकि बीच बीच में आपको ठोकरें जरूर दिखाई देगी, तो ठोकर पर थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना है। अगर आप लोग अनजाने में पहली बार इस रोड से सफ़र कर रहे हैं तो थोड़ा सा वाहन को अपने नियंत्रित में ही चला करके जाएंगे। पहले दोस्तों इस रोड का कंडीशन बहुत बुरा हुआ करता था, और ये रोड बिल्कुल सिंगल था, लेकिन उसको सिंगल से हटा करके रोड को डबल कर दिया गया है और बहुत ही सुंदर इस रोड को बना दिया गया है। यहाँ पर बिरला वर्ल्ड एक स्कूल है, काफ़ी बड़ा स्कूल है, जो कि इसी रोड पे आपको अवस्थित है, जैसा कि आप लोग देखे भी वीडियो में। कहीं से भी कोई परेशानी आप लोगों को होने वाली नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी तक आप लोग एक बात को नोटिस जरूर किए होंगे, कहीं भी आप लोगों को एक भी अच्छा सा रेस्टोरेंट इस वीडियोज में नहीं दिखाई दिया होगा। पेट्रोल पंप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आप लोगों को एक पेट्रोल पंप है, लेकिन दोस्तों इस पेट्रोल पंप पर भी आप लोगों को CNG नहीं मिलेंगे। मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस रूट में कहीं भी CNG पेट्रोल पंप अभी ओपन नहीं हुए हैं, हालांकि एक मसौढ़ी में CNG का ओपनिंग होने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल वहाँ भी ओपनिंग नहीं हुआ है। जब ओपनिंग हो जाएंगे तो उसका भी अपडेट्स आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएंगे। रोड का कंडीशन बहुत अच्छा है दोस्तों, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होने वाली नहीं है, थोड़ा सा भी कहीं भी मुझे रोड पे एक भी गड्ढा उबड़ खाबड़ कहीं भी दिखाई नहीं दिया, बहुत सुंदर रोड को बनाया गया है।
और दोस्तों अगर आप लोग लखनऊ पंचायत भवन में जाना चाहते हैं तो आप लोग यहीं से ही टर्न होकर के लखनऊ पंचायत भवन में जा सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को आगे उसका भवन भी दिखाई दिया है। और ये जा कर के हांसा डिबाला रोड में भी मिल जाती है, जो कि सीधा पितमास होते हुए, पिपलामा होते हुए नवदपुर को चली जाती है। उस रोड का भी अपडेट बहुत जल्द आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाले हैं, इसलिए दोस्तों इस चैनल को बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ से आप लोग बेदौली गांव में जा सकते हैं। काफ़ी हरा भरा माहौल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बहुत सुंदर हरियाली आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इस रूट पे। काफ़ी शांत वातावरण इस रूट पे मुझे दिखाई दिया, बहुत सुंदर हरियाली चारों तरफ देखने के लिए मिलता है, मन गदगद, मन प्रसन्नचित हो जाता है। बहुत सुंदर हरियाली, बहुत अच्छा देखने में लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख भी रहे होंगे वीडियो में। नागस्थान जाने के लिए आप लोगों को आगे रूट जो देखे थे, नागस्थान चले जाती है। अब कुछ ही देर में दोस्तों देवरिया पहुंचने वाले हैं और बहुत जल्द हम भरतपुरा भी पहुंचेंगे। और भरतपुरा पहुंच करके दोस्तों आप लोगों को वहां से बताऊंगा अभी कि कौन सा रोड आप लोगों को लाइब्रेरी तक जाती है और कौन सा रोड उलार होते दुल्हिन बाजार तक जाती है। बस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिए। और दोस्तों मैं देवरिया पहुंच चुका हूं, ये सीधा देवरिया चली जाती है और इधर मैं दोस्तों आप लोगों को सीधा पितमास चली जाती है, पितमास रोड ये सीधा चली जाती है, इधर मैं आप लोगों को देवरिया चली जाती है। अगर आप लोग देवरिया जाना चाहते हैं या पितमास जाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं। और यहाँ पर भी आप लोगों को देख रहे हैं कि एक पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है, जो कि बिल्कुल नया अभी ये ओपनिंग हुआ है। और यहीं पर दोस्तों बगल में ही पुनपुन नदी है और पुनपुन नदी के किनारे ही ये पेट्रोल पंप ओपनिंग हुआ है। ये जो पुनपुन नदी देख रहे हैं, इसके बगल में ही एक पुराना ब्रिज बना हुआ था, लेकिन उस ब्रिज को डैमेज होने के कारण यहाँ पर एक नया ब्रिज बना दिया गया है। ये भी काफ़ी सुंदर ब्रिज बना है। बस दोस्तों थोड़ी ही देर में मैं अब इच्छीपुर पहुंचने वाला हूं और इच्छीपुर के बाद जमुई आती है, जमुई के बाद आप भरतपुरा आएंगे। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों इच्छीपुर पहुंचने वाला हूं, इससे पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये गांव इच्छीपुर है, अगर आप लोग इच्छीपुर आना चाहते हैं तो यही इच्छीपुर है, यहीं से उतर करके आप इच्छीपुर गांव में भी जा सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा चेक पोस्ट भी आप लोगों को मिलेगा। अगर दोस्तों आप लोग इस रोड से आ रहे हैं और अगर आप लोगों को सिगोड़ी जाना है या सिगोड़ी होते हुए चंडोल से होते हुए पाली जाना है या किंजर जाना है, तो दोस्तों आगे मैं आप लोगों को भी रास्ता बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोग सिगोड़ी जाना चाहते हैं तो यहीं से आप लोगों को टर्न होना है। देख रहे हैं दोस्तों यही रास्ता जो सीधा है वो सिगोड़ी होते हुए चंडहोस चली जाती है, तो आप यहीं से ही टर्न होकर के सिगोड़ी जा सकते हैं। सिगोड़ी जब पहुंच जाएंगे तो वहां से चंडहोस होते हुए आप पाली भी जा सकते हैं और उधर में किंजर भी जा सकते हैं। और ये दोस्तों जमुई बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार है, यहाँ हर तरह का सामान आप लोगों को मिल जाता है, छोटा सा बाज़ार है। और जमुई के बाद आप लोगों को भरतपुरा सीधे लिए चलूँगा। जमुई में भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खास करके अगर आप लोग का वाहन डीजल का है, पेट्रोल का है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। लेकिन मैं पहले ही बार बार बता रहा हूँ कि अगर आप लोग का वाहन सीएनजी का है तो पहले से ही आपको भंडार करके इस रूट से सफ़र करना होगा। आप लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक पेट्रोल पम्प है। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों अब मैं भरतपुरा पहुँचने वाला हूँ
और भरतपुरा पहुंच करके आप लोग को दोनों वो अप्रोच लिंक पथ है, एक जो रोड उलार होते हुए दुल्हिन बाजार चली जाती है, और एक रोड जो दोस्तों भरतपुरा में जो लाइब्रेरी है वो लाइब्रेरी होते हुए वो भी रोड दोस्तों चंडोस रोड में जा कर के मिल जाती है। वहाँ से भी आप पाली जा सकते हैं और वहाँ से भी आप लोग किंजर जा सकते हैं। लगभग दोस्तों मसौढ़ी से भरतपुरा 18-19 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस है, दूरी है। और इतना दूरी में दोस्तों आपने देखा कि कहीं भी आप लोगों को रोड पर एक भी उबर खाबड़ या गड्ढे दिखाई नहीं दिए हैं, बिल्कुल स्मूथ। मेरा जो बाइक था बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। ये जो स्कूल बिल्डिंग देख रहे हैं ये ब्लिच इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, जो कि अभी नया स्कूल बना है। ये गाँव का नाम सिही पंसुही है और बस अब थोड़ी ही देर में दोस्तों मैं भरतपुरा पहुंचने वाला हूं। ये भी मंदिर काफी पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। तो आपने देखा कि कहीं भी आप लोगों को एक भी अच्छा सा रेस्टोरेंट इस वीडियोज में नहीं दिखाई दिया होगा, और कहीं भी दोस्तों सिक्योरिटी रीजन को लेकर के इस रूट पर कहीं भी आप लोगों को एक भी सीसीटीवी कैमरे भी नहीं दिखाई दिए होंगे। तो थोड़ा सा सतर्क होकर के बिल्कुल आप लोग इस रूट से सफ़र कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ये दोबारा मिलती नहीं है। बस सब कुछ ही देर में दोस्तों भरतपुरा पहुँचने वाला हूँ। और दोस्तों आप लोग अगला कौन सा अपडेट देखना चाहते हैं, कौन सा रोड का अपडेट देखना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, मैं उस अपडेट को आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस चैनल पर आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए, धार्मिक वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोज अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। बस दोस्तों भरतपुरा मैं पहुँचने वाला हूँ, और ये रहा भरतपुरा। भरतपुरा पहुंच चुका हूं और मैं आगे आप लोगों को लिए चलूंगा, और उस जगह पर भी लिए चलूंगा जहां से दोस्तों आप लोगों को भरतपुरा लाइब्रेरी जाना है, और उलार होते हुए दुल्हिन बाजार अगर जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे मैं बस कुछ ही देर में आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। भरतपुरा बाजार से मैं आगे निकल रहा हूँ। और भरतपुरा बाज़ार से मैं निकल चुका हूं, और ये जो तोरण द्वार देख रहे हैं दोस्तों, ये तोरण द्वार आप लोगों को भरतपुरा का जो लाइब्रेरी है उस तरफ लिए जाएगा। और इधर में जो आप रोड देख रहे हैं ये सीधा उलार होते हुए दुल्हिन बाज़ार, ये जो रोड देख रहे हैं सीधा उलार होते हुए दुल्हिन बाज़ार की ओर चली जाती है। और इधर में दोस्तों आप लोगों को ये जो रोड देख रहे हैं जिसमें तोरण द्वार बने हुए हैं, ये सीधा आपको लाइब्रेरी होते हुए चंडोस की ओर चली जाती है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।